नमस्कार, वीएमआर भारत टीवी में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका शर्मा। खास खबर में बात करेंगे हम भीलवाड़ा की। जी हां, भीलवाड़ा में शारदा एवरग्रीन पार्क के डायरेक्टर महावीर बाबेल, अनिल मानसिंह और ठेकेदार देवीलाल कुमावत के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत प्रतापनगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। शारदा एवरग्रीन पार्क में निर्माण कार्य के चलते ठेकेदार देवीलाल कुमावत, कारीगर नारायण मीणा, संगीता वीर, कमलापति वीर, भावना सभी अनुसूचित जाति से को मजदूरी का कार्य कराने के लिए प्रतापगढ़ से यहां लाया गया। उनको दिसंबर माह में यह कहकर लाया गया कि तुम्हारे रहने खाने की व्यवस्था पूरी तरह से की जाएगी और समय पर मजदूरी का भुगतान भी किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मजदूरी भी समय पर नहीं दी जाती, बार बार कहने पर भी कोई सुनवाई नहीं की गई। तय मजदूरी से कम काम पर करवाया जा रहा है, उसके बावजूद भी समय पर मजदूरी नहीं दी जाती। प्रार्थियों को कॉलोनी के बाहर स्थित किराना की दुकान से उधार सामान लेकर अपना गुजर बसर करना पड़ रहा है। आपको बता दें, परेशान होकर प्रार्थियों ने हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर अपनी पीड़ा दर्ज कराई, जिस पर कार्रवाई करते हुए राजस्थान बंधुआ मजदूर मुक्ति अभियान संस्था के प्रतिनिधि रिंकू परिहार, आगाज फाउंडेशन से घनश्याम बकौलिया, प्रदीप शर्मा, ललित यादव ने कार्रवाई कर और जांच के करने के बाद उपकरण अधिकारी टीना डाबी को शिकायत की, जिस पर टीम गठित करते हुए तहसीलदार अरुण सिंह, लेबर इंस्पेक्टर संगीता व्यास और प्रताप नगर पुलिस के द्वारा कार्यवाही की गई, जिस पर कानूनी कार्रवाई होते देख मजदूरों को काटपीट कर भुगतान किया गया। हम मजदूर हैं, प्रतापगढ़ से 18 जनवरी को आए थे और आज दिन तक हमें सिर्फ बीच बीच में खर्चे का पैसा दिया था, 500 रुपये, एक ने 500 रुपये, एक ने 1000 रुपये, इस तरीके। उसके बाद में ठेकेदार हमारा 5 फरवरी से फरार हो गया, आइज नहीं आया। पर फोन 2-4 दिन तो फ़ोन करके उसने बताया कि हम तुम्हें पेमेंट करता हूँ, और फिर फ़ोन उठाना बंद कर दिया और हम लोग परेशान हो रहे हैं। और आप भी थी, बहुत ज़ोरदार हमारे साथ में दुर्व्यवहार हुआ, क्योंकि हम लोग खाना तो खाने में ये रहे लोगों के, या मतलब जाके ये करना पड़ा, 100-200 रुपये कलेक्शन करके हमने कहा खाने का ये किया। कितना पैसा बाकी है तुम्हारा? और आज दिन तक का टोटल मजदूरी बाकी थी सर हमारी, कोई पैसा नहीं दिया था। ठेकेदार कौन है तुम्हारे यहाँ का? देवीलाल कुमावत करके है, कोई भीलवाड़ा के आसपास किसी का। तुमने यहाँ के मालिक से बात करी क्या? मालिक से बात करी तो वो क्या, वो देवीलाल जाने सुपरवाइजर की बात के सुपरवाइजर से मिला, सुपरवाइजर ने कहा कि देवीलाल से मिला। इस तरीके से हमारे इधर उधर घुमाते रहे पूरे कॉलोनी में, कोई हमारा सुनवाई करने वाला नहीं मिला उसमें। यहाँ के मैनेजर का क्या नाम है? यहाँ का मैनेजर सर हम नहीं जानते, वो अशोक कोई नाम है, और वो उनसे भी मिले, सबसे मिल मिल के थक गए हम, परेशान हो गए, कोई सुनवाई करने वाला नहीं। आपका नाम? मेरा नाम नारायण लाल मीणा और प्रतापगढ़ में सुहागपुरा पंचायत का रहने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे हम लोग। मेरा नाम संगीता सर, मैं प्रतापगढ़ जिले से आए थे काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए सर। ठेकेदार झूठ बोल के लाए थे, वहाँ गांव में आए। क्या बोला, कहाँ पे लेके जा रहे तुम्हारे को? तो कि काम करने के लिए लाए, पैसे दे दूंगी, 8 दिन का तुम्हारा पेमेंट दे दूंगी, चलो काम करो। तो हम आए गए सर मजदूरी करने के लिए। कौन सी कंपनी में लेके आए तुम्हारे को? शारदा कंपनी सर, भीलवाड़ा में शारदा कंपनी में काम चल रहा, चलो। अच्छा। तो 350 पेमेंट दूंगा तुम्हारा, चलो ऐसे करके इधर ला के फिर बोला 300 रुपये दूंगी, ऐसे ला के झूठ बोलता रही। अब मैं तुम्हारा खर्चा पानी भी देने लगे सर, तुम्हारा हिसाब दूँ तो 8 दिन तो कहाँ गए सर, 25 तारीख ही बताता रही है सर, तो खर्चा भी देने लगे सर, फिर हम बहुत परेशानी होने लगे सर। शारदा कंपनी में तुम पहले आए थे क्या काम करने के लिए? कभी नहीं आए थे सर, पहली बार ही आए हो? पहली बार आए, पहली बार। ऐसी खास खबरों को जानने के लिए बने रहिए वीएमआर भारत टीवी के साथ। नमस्कार।